इस वीडियो में अडानी और ITC शेयर बहुत बड़ी खबर लगा रहा हूँ, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। ITC को आटे का आशीर्वाद। अडानी ब्रिटानिया पार्ले को पछाड़ देश की सबसे बड़ी FMCG निर्माता कंपनी बनी। ITC जब बाजार में खाद्य तेलों के दाम गिर रहे थे तो ठीक उसी समय आटे की कीमतों में वृद्धि से ITC को मदद मिली। ITC FMCG प्रोडक्ट की सेल में अडानी बिलमार पार्ले ब्रिटानिया को पीछे कर दिया। सिगरेट से साबुन तक बनाने वाली कंपनी ITC ने अडानी बिलमार ब्रिटानिया पार्ले प्रोडक्ट और अन्य प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर देश की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड FMCG निर्माता बन गई है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार ITC लिमिटेड ने सितंबर तक 9 महीने में घरेलू बिक्री के आधार पर फूड सेक्टर में यह मुकाम हासिल किया है। मार्केट ट्रैकर नीलसन IQ के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। नीलसन IQ डेटा के मुताबिक ITC ने इस अवधि में फूड FMCG की सेल ₹17,100 करोड़ रही, जबकि ब्रिटानिया की ₹16,700 करोड़, अडानी बिलमार की ₹15,900 करोड़, पार्ले प्रोडक्ट की ₹14,800 करोड़। इनके अलावा मोंडेलेज ने ₹13,800 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने ₹12,200 करोड़ की बिक्री की। पिछले साल अडानी बिलमार का था दबदबा। पिछले साल की समान अवधि में अडानी बिलमार का बाजार में दबदबा था। इस बार ITC ने 4 पायदान की छलांग लगाई। नीलसन IQ के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल जनवरी सितंबर की अवधि में अडानी बिलमार का सेल ₹16,100 करोड़ थी, जबकि ब्रिटानिया की ₹14,900 करोड़, पार्ले की ₹14,800 करोड़, ITC की ₹13,900 करोड़ और मोंडेलेज की ₹12,400 करोड़ थी। खाद्य तेल की कीमतों में भारी गिरावट का प्रभाव। ITC के अडानी बिलमार से आगे निकलने के पीछे खाद्य तेल की कीमतों में भारी गिरावट है। इससे 9 महीने की अवधि में देश की सबसे बड़ी खाद्य तेल कंपनी राजस्व पर असर पड़ा। सितंबर में खाद्य तेल की कीमतों अप्रैल मई 2022 में $2,000 प्रति टन के उच्चतम स्तर से नीचे $1,000 प्रति टन से भी कम पर थी। आटे की कीमतों ने दिया आशीर्वाद का फायदा। जब तेल के दाम गिर रहे थे तो ठीक उसी समय आटे की कीमतों में वृद्धि से ITC को मदद मिली। ITC के आशीर्वाद ब्रांड पैकेज आटा का उसके FMCG के रेवेन्यू में बड़ा योगदान है। बता दें कि कंपनी हर साल 100 से अधिक FMCG प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। ITC लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक हेमंत माली ने कहा, मौजूदा रुझानों के साथ साथ आटे की कीमतों में बढ़ोतरी ने राजस्व वृद्धि को बढ़ाने में योगदान दिया।